हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक सो आज इस ड्रामा का हम लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन और हाँ अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पांच पार्ट नहीं देखे हैं सो so, प्लीज़ उसे देख लीजिए युकी रिशा और हिरोतो के साथ रहने के लिए तो आ गया था इसके बाद तो युकी एकदम परफेक्ट है वो हर तरह से काम भी कर लेता है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट भी कर लेता है और खाना भी काफ़ी अच्छा बनाता है इसके बाद सुबह युकी और रिशा में इस बात को लेकर अनबन होने लगती है खाना कौन बनाएगा तभी रिशा कहती है कि मैं हिरोतो की फ्योन सूँ ना तो यू बीच में क्यों टपक रहा है लेकिन यूकी उसके बात करते करते ही खाना बना देता है और कहता है कि मिस रिशा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैं हूँ ना तो मैं हिरोतो का पूरा ख्याल रख सकता हूँ इसके बाद रिशा कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है दरअसल मुझसे ज़्यादा तो हीरो ही तो की वाइफ नजर आता है बिकॉज ही ही की हीरो तो की टाइच ठीक कर रहा था तभी उसे ऐसा लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ही हीरो ही तो को पसंद करता है और इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है नहीं ऐसा ही लगता है मुझे बिकॉज इन दोनों की नज़दीक यहाँ तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही है इसके बाद वो रास्ते में जा रही हुई थी तभी वो उसे यही तो अटसा रहे थे कि क्या युकी और हीरो तो सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं मतलब हरकतें तो ऐसी ही हैं दोनों की इसके बाद यहाँ पर उसे युकी मिल जाता है जब युकी उसे घर लेकर आता है फिर वो तो उसे देखने के लिए आता है बिकॉज वो लेट नाइट अभी तक काम कर रही थी जिसके बाद जब हीरो तो बाहर निकलता है तो युकी उनकी सारी बातें सुन रहा था और कहता है कि तो आप मुझसे ज़्यादा रिशा को प्यार करते हैं यहाँ पर हीरो तो कहता है कि तुम्हें आज क्या हुआ कहता है कि

यहाँ पर रिशा कहती है कि ऑकवर्ड हो रहा है यूके के साथ मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया जब रिशा अपने घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसे इंटर्नशिप की लिस्ट सेलेक्ट कर लिया गया है लेकिन जब वो सुबह काम करने के लिए जाती है तो, तो यू के उस कंपनी को फ़ोन लगाता है दरअसल वो एक फ़्रॉड का फ़ोन था ताकि ऋषा उनकी जगह पर चली जाए और उसे कोई भी हार पहुंचा जा सके क्योंकि वो हीरो तो की वीकनेस जो है इसके बाद यूकी कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपनी हर पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में अच्छी से जानकारी कर कर ही जाना चाहिए देखिए आपको जिसने फोन किया है फोन किया है वो फ्रॉड है बिकॉज रियल वाली कंपनी ने तो आपको इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया ही नहीं है उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर यू कहता है कि रिशा तुम समझ सकती हो कि तुम्हारी वजह से हीरो तो को हर टाइम ज्यादा काम करना पड़ता है उसे अपना काम भी अच्छे से निपटाना है और साथ साथ में तुम्हारा भी ख्याल रखना है तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीछे कई सारी डिस्टर्ट सेक्शन और प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हेरो तो के डील करना पड़ता है बिकॉज़ एक तरह से तुम खुद को यूज़लेस भी बोलती हो इसके बाद वो हेरशाई काफी ज्यादा पास आने लगता है और कहता है कि अगर तुम तो को छोड़ दोगी तो मैं यहां से जाने दूंगा पर ऋषास के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि मैं जल्दी गिव नहीं करने वाली यहाँ पर वो है के टेस्ट में पास हो जाती है कि वो हेरोतो को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी इसके बाद यू अपने पैरों पर पे बैठ कर उसे सॉरी बोलता है कि उसने जो भी कुछ रूड बिहेवियर किया उससे अब तक यूकी वफादार है और रिशा के लिए भी वो उतना ही सिंसियर रहेगा जितना कि वो हेरोतो के लिए है इवनिंग में हीरो तो जब घर आता है तो यूके के डॉल लाजे समझ जाता है कि रिशा को उसने काफ़ी परेशान किया होगा तब यहाँ पर हीरो तो कहता है तो क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ क्या तुमने रिशा को गले लगाया था हीरो तो पता नहीं पर समझ जाता है यहीं पर युकी कहता है तो क्या हम दोनों को सस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हीरो तो कहता है कि मुझे पता है जिसे तुम लाइक करते हो वो मैं हूँ और मेरे अलावा तुम किसी को लाइक कर ही नहीं सकते तो हम सही बात कहें तो युकी का पहला प्यार ही हीरो तो है भले ही वो उसे ऐसे लवर नहीं देखता बट बेचारा तो उसी के पीछे तो लगा रहता है हिरो तो रिश्व गले लगाता है और कहता है कि वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगा और जहाँ भी वो जाना चाहेगी उसे रोक लेगा पहले उसे थोड़ा रूड होना पड़े इसके बाद हम रिशा को देखते हैं जो कि अपने काम पर जा रही होती है तभी एक मोटा सा बंदा उसे अप्रोच करता है दरअसल तो ये किडनैपर होता है और कहता है कि मैं तुम्हें तो उसे फॉलो कर रहा हूँ बट तो तुम काफ़ी यूजलेस और बिना दिमाग की हो क्योंकि तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया इसके और रिशा को किडनीप कर लेता है और उसे एक अंधेरी जगह पर बंद कर देता है उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे आफ आर वो बंदा रिशा को हार्म करने लगता है यहाँ पर रिशा कहती है कि वो सच में यूजलेस है इसके बाद वो बंदा कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर हेरोतो की एंट्री होती है इसके बाद वो मोटा सा किडनैपर रिशा के ऊपर चाकू रख लेता है पर हीरो तो उसका चाकू पकड़ लेता है और उसके हाथ से खून निकल रहा था इसके बाद वो रिशा को गले लगा लेता है कि आखिर तुम्हें मैंने अकेले छोड़ा कैसे एंड आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट आया यहाँ पर रिशा उसके हाथ को देख रही थी तभी वो बंदा पीछे से आकर हिरोतो को एक भारी भरकम चीज़ मारता है इसके बाद हिरोतो वहीं पर बेहोश हो जाता है बट थैंक गॉड वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और वो किडनेप पकड़ा जाता है रोतो कभी भी होश नहीं आया था तभी यूकी कहता है कि आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पर रिशा को लगता था कि शायद वो यूज़लेस है इसकी वजह से ये सब हो रहा है हिरोतो को बार बार चोट लगती है और वो उसकी बार बार परेशानी का कारण बन रही है इसके बाद सोचती है कि वो हिरोतो को छोड़कर चली जाएगी या पर युकी उसे रोकता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बट वो हिरोतो के लिए अगले दिन एक नोट छोड़ जाती है जब हिरोतो से पड़ता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि रिशा उसे छोड़कर भी जा सकती है बिकॉज उसने तो अपनी सारी जिंदगी रिशा के साथ इमेजिन भी कर ली थी इसके बाद हम रिशा को नाचन के साथ देखते हैं हम जब भी वो कहती है क्या तुमने हीरो से ब्रेकअप कर लिया देखो मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा हो बट हीरो से ज्यादा अच्छा बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा सीरियसली इसके बाद नाचन को पता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो पागल है और उसका दिमाग चलता ही नहीं है इसके बाद वो सोचती है कि उसे खुद ही कुछ करना होगा आफ्टर दैट वो खुद से कहती है कि उसे हेरोतो के पास ले जाए इसके बाद खुद सो हेरोतो के पास पहुँचता है उसे लेकर तो हेरोतो से कहती है कि रिशा को वापस बुला लीजिए बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बिना पूरी हो सकती है यहीं पर हरोतो कहता है कि नहीं वो चाहता है कि रिशा अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से जिए और रिशा भी कुछ ऐसी ही बातें बोल रही थी तो वो कहती है क्या तुम दोनों पागल हो दोनों की बात बोल रहे हो लेकिन पास आने के लिए तैयार नहीं हो तभी 就。嗯 नाचान को ले जाता है और कहता है कि तुम्हें भी बीच में नहीं पढ़ना चाहिए इन दोनों की ज़िंदगी और इन दोनों को ही परवाह नहीं है तो हम क्यों पढ़ें हमारी लव लाइफ हम जियेंगे रिशा हीरो तो कैफ़े के बाहर से गुजरती है तभी हीरो तो से देख लेता है और कहता है कि डैम मेरी इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा वियर्ड है इसके बाद ऋषा वहाँ से जाने लगती है तभी हीरो तो देखता है कि इमेजिनेशन नहीं है बल्कि सच में ऋषा है इसके बाद वो ऋषा को जाकर बैक करता है आप अदाय रिशा कहती है कि उसे जाने दो बिकॉज उनके बीच में सब कुछ ओवर हो चुका है और गर्ल फ्रेंड नहीं है पर हीरो तो ऐसा नहीं करता और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें तो नहीं जाने दे सकता इसके बाद हीरो तो रिशा को अकेले में ले जाता है और सारी बात क्लियर करता है कि भले ही रिशा कहीं भी चले जाए बट उसका ध्यान तो वही रहेगा और इसकी ज़िंदगी उसने रिशा के बिना कभी इमेजिन ही नहीं किया है वो उसकी एक ज़रूरत सी बन गई है इसके बाद ऋषा भी सारी बात समझती है और इन दोनों के बीच में सबको राइट हो जाता है सो दैट हीरो तो किसी चीज़ में भी देरी नहीं करना चाहता था इसके बाद वो ऋषा को एक जगह पे लेकर जाता है ये जगह काविता ब्यूटीफुल थी जो कि ऋषा को पसंद आता है जब अपनी आँखें खोलती हैं तो हीरो तो उसे एक रिंग लेकर फिर से प्रपोज करता है उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि वो ऋषा से शादी कर रहा है यहीं पर ऋषा रिंग लेकर काविधा खुश होती है और हीरो तो उसे गले लगाता है जब ऋषा अपने दोनों फ्रेंड योशिकी और नाचान को ये सब बताती है तो दोनों काविधा खुश थे नाचान योशिकी से कहती है तुम तो बेबी ऋषा को पसंद करते हो तभी यहाँ पर फील कहता है कि हाँ वो अभी भी उसे लाइक करता है लेकिन जब तक रिशा खुश है तो वो भी खुश है इसके बाद रिशा को अकेले में अप्रोच करते हुए कह देता है कि आई लव यू रिशा कहती क्या मैंने अभी भी अपनी शादी के अनाउंसमेंट की हुई बंदा मुझे हाई लव बोल रहा है तो कहता है कि नहीं वैसे सेंस है नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम तो हमेशा खुश रहो और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी तो हीरो के साथ है मैं ये सब करने के अलाउ भी कर रहा हूँ इसके बाद ये सभी सेलिब्रेशन करते हैं बिकॉज हिरो तो और रिशा ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके थे खुशी तो की हीरो तो से प्रॉमिस लेता है कि हमेशा रिशा का ख्याल रखेगा तभी हिरो तो से प्रॉमिस देता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी हैप्पी एंडिंग होती है दरअसल इस ड्रामा में कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं बचाया था नाचान और कुछ सो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड वाई फ्रेंड तो पहले ही बन चुके थे योषगी की बात करें तो उसने रिशा पर अप कर दिया था एयुकी की बात करें तो सेक्रेटरी है पहले वो हिरोत्तो को दिलो जान से पसंद करता है बट हिरोत्तो तो रिशा का है ये बात भी वो अच्छे से जानता है यहीं पर रिशा और हेरोतो की लव स्टोरी तो पूरी हो ही गई नेक्स्ट ड्रामा के साथ तक के लिए बाय बायर गाइस